ईदी निकाल दे क्योंकि मैंने गुजरा भाई ईदी मैंने आपसे लेनी है। ये क्या बात हुई आबिद भाई, आप पढ़े हैं या मैं पढ़ा? बड़ा छोटा तो होगा, बॉस कौन है? बॉस कौन है? नहीं बॉस वाली क्या बात है, देखने वाले बताइए ज्यादा नहीं है कि मतलब ईदी क्यों नहीं दे रहे? ईदी निकाल दे आबिद भाई, ले ले भाई, इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं। ये देखे कैमरा दिखाए जी कितने, सबसे छोटा नोट नहीं निकल रहा, लो मेरे भाई। ये देखे आबिद भाई की कंजूसी का अंदाजा लगाए कि ₹10 दे रहे हैं। ये देख ले, ये दोस्ती है, ये भाईपन है कि ₹10 दे रहे हैं। ये है मजाक की बात है, मैं अपने भाई को ऑर्डर लगा के आ चुका, मैं ये नहीं बताऊंगा ये कौन है, लेकिन इनका इसका बच्चे का फेस देख के आप लोगों ने आइडिया करना है, गैस करना है कि ये बच्चा कौन है और किसका बेटा हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। देखने में बड़ी अच्छी है, क्वालिटी कैसी है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और इसकी कीमत जरा बताइए, इसकी 1550 कीमत, सब 1550 लगाई है। ये 1500 की है, ये 1500 की आपने खरीदा है, ये ट्राउजर है, ये 1800 का लिया है, ये कितने की है पैंट? ये पैंट है 1600 की। मैं तो सब्जी लेने गया तो परेशान हो गया, क्यों? चांद रात का ऐलान हुआ है तो रेट 100 रुपए से 200 रुपए। जो लोग भी देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं कि ये जो ड्रेस आपको नजर आ रहे हैं इनमें से मुझे कौन सा सूट करेगा, मुझे कौन सा लेना चाहिए? अभी तो डेफिनेटली मैं अपनी मर्जी से ले लूंगा, लेकिन आपके पापा इंडिया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? मैं भी करता हूँ। मैंने क्या वजह है यार, इंडिया आप स्कूल में जो पढ़ते हो कि इंडिया तो मतलब हम चंगे हुई है और ये बात नहीं, फिर क्या हुआ? हमारा बड़ा भाई है इंडिया, जबरदस्त हो गया। पहले मैं कहूंगा मेरी ईदी दो, ये नहीं, ये क्या बात है? अच्छा आबिद भाई ने उधर ऐसे किया है, आपने बात की है, मैंने कहा ईदी दो आप। अच्छा मैं एंड पे ईदी दूंगा, जितनी कहोगे दूंगा, पहले बताओ जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक हो। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक मार्केट में, जहां पे हम ये देखेंगे कि मर्द हजरात ज्यादा शॉपिंग के लिए आए हैं या लेडीज ज्यादा शॉपिंग के लिए आई हैं। लेकिन हमारे पास हम सबसे पहले तो ये आबिद भाई मौजूद हैं, इनसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे आप? रश कैसा लगा हुआ है? रश माशाल्लाह, ईद का मेला चांद रात है यार, ज्यादा टाइम नहीं, सरप्राइज कर दिए, कर के रहे हो आप, ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक कहते हैं, अगर आप कहना चाहें जी। मेरी सारी तमाम ऑडियंस को ईद मुबारक है और ईद की खुशी आपको बहुत मुबारक हो और हमारे लिए भी दुआ करें, हमें भी मुबारक। ठीक है, बात इधर खत्म नहीं होगी, ईदी निकाल दें क्योंकि मैंने गुजरा भाई, ईदी मैंने आपसे लेनी है। ये क्या बात हुई आबिद भाई, आप पढ़े हैं या मैं पढ़ा? बड़ा छोटा तो होगा, बॉस कौन है? बॉस कौन है? नहीं बॉस वाली क्या बात है, देखने वाले बताइए ज्यादा नहीं है कि मतलब ईदी क्यों नहीं दे रहे? ईदी निकाल दें आबिद भाई, ले ले भाई, इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं। ये देखे कैमरा दिखाए जी कितने, सबसे छोटा नोट नहीं निकल, लो मेरे भाई। ये देखे आबिद भाई की कंजूसी का अंदाजा लगाए कि ₹10 दे रहे हैं। ये देख ले, ये दोस्ती है, ये भाईपन है कि ₹10 दे रहे हैं। ये है मजाक की बात है, मैं अपने भाई को ऑर्डर लगा के आ चाहिए, जबरदस्त हो गया। हाँ तुझे ईदी मिले तो फिर बात, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है, मैं समझता हूँ ईदी ईदी होती है, मैं ये जानता हूँ। ये भी ₹20 भी दिल से दिए गए, इसलिए से जेब में डालते हैं। आप भी जैसे कंजूस इंसान से 20 निकाल रहे हैं। मैं कंजूस हूँ। आबिद भाई शॉपिंग मतलब आपने अपनी कर ली है? नहीं अभी तक अपनी। अच्छा। यकीन कीजिए कि बच्चों की परचेजिंग हो चुकी है, मिसेस की हो चुकी हुई है, मेरी वालदा की हो चुकी है, मतलब पूरी फैमिली की हो गई। नहीं हुई। आप बिलीव कीजिए कि मैंने अपने लिए एक बेल्ट नहीं अभी तक खरीदा, लेकिन लेंगे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। लेडीज का ज्यादा रश है मार्केट में या जेंट्स का? एक्चुअली होता क्या, शुरू रमजान जो है ना वो हमारे होते हैं बच्चे का काम होता है, जो लास्ट रमजान होते हैं उसमें सिर्फ मेंस का काम होता है। देखिए हमारी दुकान तकरीबन खाली पड़ी हुई है और बाहर आप मेंस की, लेकिन मैंने कल परसों देखा था तो बड़ा रश था। जो एक दिन जैसे अब चांद रात है और चांद रात से पहला दिन जो होता है हमारे काम खत्म हो जाते हैं, मेंस का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग बच्चों की परचेसिंग पहले करते हैं उसके बाद अपनी करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये लास्ट बात होगी, कोई ऐसा मैसेज, वैसे देखें हम इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ये हो गया पाकिस्तान, आज खुशी के दिन में कोई खुशी का पैगाम जो पूरी दुनिया से जहाँ से भी लोग देख रहे हैं ऐसे दिल खुश हो जाए, मोहब्बत का पैगाम? देखे मैं तमाम अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि देखे ईद उल मुबारक जो ईद एक बड़ी प्यारे दिन होता है, तो तमाम मुसलमानों को कहूंगा कि आपके दिलों में जिनके लिए कुछ नफरतें हैं तो प्लीज इस ईद को लेके वो नफरतें आप दूर कीजिए। और भी जो हमारी ऑडियंस है वो भी देखे, नफरत जो है एक अच्छी चीज नहीं है, मोहब्बत एक कमाल की चीज है, और जब मोहब्बत को लेके चलेंगे लोग आपके ऊपर अपनी जान देंगे, आप पे कुर्बान हो जाएंगे लोग, तो मोहब्बत एक कमाल की चीज है, प्लीज अपने दिलों से मोहब्बतें पैदा करें और नफरतें निकाल दीजिए। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद जो यहाँ पे लोग भी मौजूद है उनसे भी बात करेंगे, अगर फिर टाइम बचा आबिद भाई के पास आएंगे, अगर आबिद भाई मौजूद हुए, बिजी ना हुए तो बात करेंगे। आइए मेरे साथ, बहुत शुक्रिया आबिद भाई। किया क्या वैसे? नहीं ये मैंने सोचा रैंडम होना चाहिए,
आइडिया दे देते हैं ना, फोन कर देते आइडिया दे देते तो आप इधर मसरूफ होते या आप होते ही ना फिर। हाँ ये बात बस। आइए मजीद किसी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या सेल कर रहे हैं? सॉक्स। ठीक है, ईद चांद रात है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। और ये बताएं कि शॉपिंग करने लोग जो आ रहे हैं वो ज्यादा रश है या कम पहले साल की नहीं, पिछले सालों की नहीं? पहले से बहुत कम रश है। अच्छा, पिछला भी रमजान शरीफ ईद लगाई है मैंने। अच्छा, तो पहले से बहुत 100 में से 99% जो है बहुत ज्यादा ही कम रश है। इस तरह महंगाई इतनी है, लोग बहुत वजह सर ये गुर्बत ही बहुत है, महंगाई इतनी के लोग अपनी शॉपिंग नहीं कर रहे, बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं, अपना सोच रहे, बच्चों की ज्यादा सोच रहे हैं। तो बच्चों मुस्तकिल बच्चों का अच्छा करेंगे तो अपनी तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन मसला ये है कि बच्चों की शॉपिंग होगी तो सब अच्छा है। आपने अपने बच्चों की शॉपिंग कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। जी आइए मेरे साथ। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे की कीमतों में जो इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? गुलाम अली। लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए? इंशाल्लाह सही आ रहे हैं। रश लगा है या कम? ये भी भाई कह रहे थे इतना रश नहीं है। इतना नहीं है जो चांद रात को होता है, होना चाहिए जो वो नहीं है। ठीक है, बेल्ट सेल कर रहे हैं जी सर? क्या कीमत है इस बेल्ट? सर जी ये 350 रुपए में हमने सेल लगा दी है। ये लेदर तो नहीं है यार? लेदर अंदर लगा हुआ है सर जी। वो कितने का लेदर की? अगर लेदर की हम रेट बताते हैं 1250 रुपए में, फाइनल पे 900 रुपए में आ जाए, 900 तक का रेट होता है। चले अच्छी बात है, आए मजीद किसी से बात करते हैं। आइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल शेख भाई? मैं ठीक ठाक, आप बताओ कैसे? सर अल्लाह का आप सुना है फिट पाट हो? आज आप ही यहाँ पे मसरूफ हो? हाँ जी। अच्छा, मैं ये नहीं बताऊंगा ये कौन है, लेकिन इनका इसका बच्चे का फेस देख के आप लोगों ने आइडिया करना है, गैस करना है कि ये बच्चा कौन है और किसका बेटा हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अच्छा और बताओ, शॉपिंग अपनी कर ली है? कर ली है। चले, ये बच्चा बड़ा समझदार है इसलिए इसने मेरे से ईदी नहीं मांगी। से पहले ये ईदी मांग ले आके। आजे आजे चलते। जी 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 बताओ फिर अब जब आएगी तो फिर बताओ। अच्छा नहीं, मैं बताता हूँ, इसका नाम है अब्दुल हादी, ये मेरा बेटा है माशाल्लाह। और ये आज ये भी यहाँ पे मौजूद है? एक्चुअली छुट्टियों पे था ना और चांद रात के लिए कहा था बाबा मैंने भी जाना, मैं इसलिए शॉपिंग भी करनी है ना। ऐसे ही है। और ये आबिद भाई का ये दूसरा तीसरी ये ब्रांच है, इससे आगे भी यहाँ पे मतलब ये है कि इस तरीके से काफी ज्यादा काम है। आबिद भाई बच्चे को भी आज ही आपने जो इधर मसरूफ रखा है? यार ये काम नहीं करने आया हुआ, ये अपनी शॉपिंग करने आया था, फिर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। इसके अंदर ऑडियंस को हेलो हाय करो। हाँ बिल्कुल, ऑडियंस सारी बात है जानना चाहेगी की आबिद भाई का बेटा है। नाम अपना पहले तो बताओ। पहले मैं कहूँगा मेरी ईदी दो। ये नहीं, ये क्या? अच्छा आबिद भाई ने उधर ऐसे किया आपने बात की है? मैंने कहा ईदी दो आप। अच्छा मैं एंड पे ईदी दूंगा, जितनी कहोगे दूंगा। पहले बताओ नाम क्या है? अब्दुल हादी। करते क्या हो? स्टडी। आपके पापा का क्या नाम है? आबिद अली। आपके पापा इंडिया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? मैं भी करता हूँ। मैंने क्या वजह है? यार इंडिया, आप स्कूल में जो पढ़ते हो इंडिया तो मतलब हम जगह हुई है और ये बात नहीं। फिर क्या हुआ? हमारा बड़ा भाई है इंडिया। जबरदस्त हो गया, बड़ी खुशी हुई है ये बात जान के। अच्छा ये होती है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देखे एक बंदे की सोच बदल गई, नहीं ये पूरी फैमिली की सोच बदल रही है। ये लो मेरी तरफ से ये ईदी बेटा। अच्छा मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, अब कंजूस कौन है इसने? आबिद भाई नहीं, अभी मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है, लेकिन मैं ईदी जरूर दे के जाऊंगा इसे। और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? मैं कहूँगा मेरे पापा को और सपोर्ट करें। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। और लोग वाकई में बहुत सपोर्ट करते हैं। चलें जी आए आगे आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक सबसे पहले तो। और मुझे ये बताएं ये ट्राउजर की कीमत क्या? 2000 कीमत इसकी। 2000? ईद की वजह से महंगा किया? नहीं, वैसे रूटीन में जो प्राइस है वही दे रहे हैं। ठीक है। और ये शर्ट की क्या कीमत है? शर्ट भी है, ये ड्राई फिट इंपोर्टेड है, लोकल नहीं है। लोकल नहीं है, लेकिन आपकी शॉप पे वैसे तो मैं अक्सर आता रहता हूँ, इस मार्केट में काफी रश होता है, आपकी शॉप पे आज इतना रश नहीं नजर आ रहा? दरअसल लोगों ने पहले की परचेजिंग कर चुके हैं। ठीक हो गया है। और आज जो सब बच्चों को साथ लेके आए जो छोटी छोटी चीजें हैं वो खरीदने के लिए। ईद पहले साल की निस्बत इस दफा ज्यादा महंगाई हुई है, इस दफा लोग ज्यादा खरीदने आए या कम खरीदने आए? नहीं, रूटीन में वही ग्राहक है, लेकिन पावर जो बाइंग पावर वो बहुत कम हो चुकी है। खर्चे एक्सपेंस बहुत ज्यादा लोगों चीजों की कीमतें बढ़ गई है। 30-40 हज़ार तनख्वाह है, उसमें क्या क्या करेंगे? राशन लेंगे, बिजली का बिल डालेंगे, गैस का या इनकी शॉपिंग करेंगे, अदर वैसी चीजें तो क्या करेंगे? जहाँ दो दो तीन तीन चीजें लेनी वो एक लेंगे। ये चीज बिल्कुल ऐसे ही है, बाइंग पावर कम हो गई है, रश उतना ही है, लेकिन चीजें कम खरीद रहे हैं। आए मजीद, बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। आप इनके बेटे हैं? अच्छा जबरदस्त हो गया, पापा के साथ बैठे हैं, कैसा लग रहा है?
जबरदस्त हो गया। आए मजीद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मास। मास भाई आप खरीदारी करने आए हैं शॉप है आपकी? हमारी शॉप है। शॉप है जबरदस्त, बड़ी कलरफुल आपने शर्ट्स लगाई हैं। मुझे अगर ये करीब आके दिखाएं भी जरा, शर्ट देखने में बड़ी अच्छी है, क्वालिटी कैसी है इसकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और इसकी कीमत जरा बताइए? इसकी 1550 कीमत। सब 1550 सेल लगाई है ये चांदा की वजह से। ठीक हो गया। मुझे बताएं इस दफा खरीदार ज्यादा है या कम है? कम है। क्या वजह है? मतलब आपने रेट बढ़ा दिए इस वजह से? सारी बात है हमारा मुनासिब रेट है, सबसे कम रेट है। तो फिर क्या वजह, खरीदार कम क्यों है? ये अब अल्लाह को बताओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग के लिए आए हैं? मुझे ये बताए क्या इस दफा कीमतों में इजाफा हुआ, कमी हुई या वैसे ही? जैसे जब पैसे की वैल्यू नहीं रही तो कीमतें को ज्यादा नहीं लग रही? कीमतें ज्यादा नहीं लग रही, वो पैसे की वैल्यू नहीं रही। हाँ, ये भी बात है। ये देखे ये बड़ी लॉजिकल बात की यार, कोई आगे कह रहा है जी पिछली दफा 500 की चीज थी अब 2000 की हो गई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता 2000 की वही वैल्यू जो पिछले साल 500 की थी। क्या शॉपिंग कर ली है? ये शर्ट पसंद नहीं आ रही? आ गई है। देखने वाले बताएं ये भाई को शर्ट कैसी लग रही है? अच्छा सर मुझे ये बताए क्या समझते हैं कि जिस तरीके से ईद का त्योहार है, तो ये है कि पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज भी जाना चाहिए, और साथ ही साथ जितनी ये पाकिस्तान में इस टाइम परेशानियां हैं इनका कोई हल नजर आ रहा है आपको? महंगाई ओवरऑल ये जितनी भी चीजें हैं, ये हुक्मरान चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हुक्मरान चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को चलाएगा कौन? नए बन जाएंगे। अवाम खुद चलाएगी। अवाम खुद चलाएगी। अच्छा ये लें जी, ये पकड़ लें आप ये शॉपिंग। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, शॉपिंग के लिए आए हो? हाँ जी। क्या चीज खरीदी है अभी तक? अभी तो ये ट्रोजर खरीदा है, ये देखे आपके सामने। तो ईद वाले दिन ट्रोजर पहनोगे? नहीं, सूट भी हर चीज है, ये देख लो। अच्छा, ये चीज है, ये 1500 की है। ये 1500 की आपने खरीदा है? ठीक है। तो पिछले ये शर्ट है? हाँ जी। हाँ जी, ये 1500 की है। ठीक है भाई, इधर आ जाइए, देखिए महंगाई आपके सामने कितनी ज्यादा हो गई है। ठीक हो गया, ये दिखाएं। ये ट्राउजर है, ये 1800 का लिया है। इतनी महंगाई हो गई, अब क्या करते हैं? और आपकी सैलरी कितनी है? 18000। 18000 में सिर्फ सीधी अपनी शॉपिंग करें तो तकरीबन 2-4-5 हजार तो आपका लग जाएगा, फिर बाकी घर में बहन भाई और सारे लोग, फिर आप काम वगैरह। इसका जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल से? हम तो कहेंगे हमारी जो वाम है ना, जो वाम है हाँ, वो गलत है। अच्छी बात, ये अच्छी बात ही है कि हम खुद जिम्मेदार हैं। जो बड़े बड़े कैसे नूनली वाले हो गए, इनके पीछे भाग जाते हैं, पीटीआई वाले के पीछे भाग जाते हैं। मेहनत करने को अपने खुद करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हमने किसी के आगे तली वगैरह तो करनी नहीं है, जो नहीं मेहनत करनी है खुद करनी चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप भी बात करेंगे? आपका नाम क्या है? अजीज रहमान। आप इधर मतलब चीजें खरीदने आए हैं या आपकी शॉप है? नहीं नहीं खरीदने आए। क्या खरीदा है अभी तक? खरीदा तो ठीक है, दिखाएंगे। खरीदी हमने और शर्टें अभी लेनी है, बहुत ज्यादा रेट। ये कितने की है पैंट? ये पैंट हमें 1600 की मिली है। 1600 रुपए की ये पैंट मिली है? ओ सॉरी, जबरदस्त हो गया। तो मुझे ये बताएं पिछले साल जब खरीदने आए थे तब कितने की थी? तब तकरीबन ये हम 900 की ले गए थे। तकरीबन डबल हो गया? हाँ, हो गया। ठीक हो गया। चले जी, हमने टी शर्ट देखी है वो 14-14 रुपया उसका भी तकरीबन मांग रहे हैं। आप वजह क्या समझते हैं, मतलब आपके ख्याल से बहुत ज्यादा महंगाई क्यों हो गई है? हमारी वजह से, हुकूमत की वजह से, और हमारे लोग सही नहीं है। हम खुद अपने साथ सिंसियर नहीं है, अपने कंट्री के साथ। हमारा एक, हम एक हो के चले तो हमारी महंगाई इतनी नहीं होगी, हमारा एका नहीं है और यूनिटी नहीं है। और हमारे भी इस बच्चे का पैर देखा तो इस बच्चे का पैर उन्होंने 2100 का बताया, ये बच्चे की पैंट शर्ट या जो भी आपने 2100 का बताया हमने। पिछले साल हम लेके गए थे 1300 का। तो पिछले साल वो बच्चा भी तो छोटा था ना? बच्चा तो इतना ही था, एक साल में कितना फर्क आ जाएगा? एक साल में महंगाई, पिछले साल इतने ही थे या छोटे थे? इतना ही था। ये देखो ये सच बोल रहा, कह रहा है पिछले साल इतना ही था। यार ये कैसी बात है, थोड़ा सही होगा पता तो नहीं ना चलता। जबरदस्त हो गया, महंगाई हो गई है जी। चले कोई बात नहीं, शॉपिंग फिर भी करके जाइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? माजिद अली। क्या करते हैं माजिद भाई? मैं सेल्स का काम करता हूँ। सेल्स का काम करते हैं, किस चीज की सेल? हिलाल फूड्स में मैंने जॉब की है 22 साल। जबरदस्त हो गया। अच्छा ईद आ गई है और ईद की शॉपिंग के लिए मैं भी बाजार गया था, लोगों की ओपिनियन भी ले रहा था, लेकिन मैंने देखा बहुत ज्यादा कीमतों में इजाफा हो गया है। लोगों का रश मौजूद है लेकिन खरीदारी में कमी है, क्या कहना चाहेंगे? ये बात नहीं है, आप देखिए पिछले 10 साल गुजर के सेम यही पोजीशन होती है, हर दफा यही कहते हैं। हर तरह पिछले 10 साल देख रहे हैं, कोई ऐसी ईद बता दे जब लोगों ने कहा महंगाई नहीं हुई। हाँ ये तो है, लेकिन रश वैसे ही है। लेकिन उसकी रीजन क्या, आप क्या समझते हैं महंगाई नहीं है, बस लोग ऐसे कह रहे हैं? वैसे हमारी पैसे की वैल्यू थोड़ी सी ना है ही नहीं है, डाउन है, टोटली डाउन है।
और उसकी एक 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 वजह भी शायद मेरे ख्याल से ये है कि हमारी इंपोर्ट में इजाफा हो गया, हर चीज़ हम चाइना से लेते हैं, अपना मेड इन पाकिस्तान तो कुछ खास है नहीं। हमारी अपनी प्रोडक्शन तो है ही नहीं किसी भी किस्म की। आप लाइक उसे देख लें बांग्लादेश को, हाँ इंडिया को देख लें, चलो इंडिया तो एक बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, वो उनको छोड़ दें, हम बांग्लादेश को देखते हैं ना जो हमारे बाद आजाद हुआ, हमसे ही लैदा हुआ, हमसे ही लैदा हुआ, अब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी गारमेंट्स की, उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया गारमेंट्स में ठीक हो गया। लेकिन ये चीजें हमें क्यों नहीं समझ आ रही है, पॉलिसीज हमारे गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती है। दूसरे नंबर पे अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो हम अगर चाइना से करते हैं, इंडिया से भी अगर इम्पोर्ट लेट्स सपोज कर ले, बांग्लादेश से भी कर ले, नहीं इंडिया से तो पॉसिबल ही नहीं है, जिस तरह की सूरत हाल है इंडिया से तुम्हारा बिजनेस है ही नहीं किसी भी। उसकी क्या रीजन है, चाइना और इंडिया की भी तो आपस में थोड़ी फाइट वगैरह चल रही है, लेकिन वो ट्रेड तो चाइना की मजबूरी देखे, चाइना जो है ना, चाइना समझता है कि हमारी जो टोटल जितनी भी रेंज बना रहे हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा जा रहा है उनका स्टॉक, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर इंडिया और चाइना ट्रेड कर सकते हैं, पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं कर सकते, ये तो गवर्नमेंट को पता ना क्यों, मतलब किस तरह के क्यों इश्यूज हैं, हमारे बड़े साहिबान जो मोदी साहिबान हैं उनको पता है क्या इश्यूज हैं। ठीक है, बेहतरी आप क्या समझते हैं कि एक चीजों की कीमतों में कमी आ सकती है? नहीं जी, फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रहा। आपने शॉपिंग कर ली? मैंने शॉपिंग की, मैंने आज अभी शॉपिंग की है, तो मैंने तो सब्जी लेने गया तो परेशान हो गया। क्यों? चांद रात का ऐलान हुआ है तो रेट 100 रुपए से 200 रुपए, मतलब सब्जी की कीमतों में एग्जाम्पल, सुबह 100 रुपए किलो कोई चीज थी, एग्जाम्पल है लेमन, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी चांद रात जैसे इन्होंने ऐलान किया चांद रात का सुबह ईद है, ठीक है, तो पता चला जो 240 रुपए किलो दे रहे हैं, 100 से सीधा 240, मतलब जिधर से आप लोग देख रहे हैं। मैं पहले भी ये कहता हूँ क्योंकि इससे एक थोड़ा आइडिया हो जाता है की मुख्तलिफ सिटीज में, इवन मुख्तलिफ कंट्रीज से जो लोग देखते हैं की वहाँ पे क्या रेट चलता है, क्या वहाँ पे भी अगर ईद आती है या कोई त्यौहार आता है तो कीमतें ऐसे अचानक डबल हो जाती है, आपको क्या लगता है? इंडिया देखे पूरे वर्ल्ड में चले जाए, हम एग्जांपल अमेरिका देख ले, कनाडा देख ले, वन टू आर रमजान में उन्होंने ऑफ लगाया होता है, मुस्लिम मालिक नहीं है वो, हाँ। लेकिन उन्होंने टोटली प्राइस अपने डाउन कर दिया रमजान मुसलमानों के लिए। अच्छा, हमारे जो इधर के हालात है, जो हमारे जो मुसलमान है पाकिस्तानी, ये उससे 3 गुना रेट बढ़ा देते हैं रमजान, रमजान में शैतान बंद होता है, तो फिर भी इस तरह ये चीज है। अच्छा मुझे बताएं, दूसरे जो कंट्रीज है वो लोग कैसे ईद मनाते होंगे जो मुस्लिम है, लाइक अगर लेट्स सपोज चाइना के और इंडिया के मुस्लिम्स की बात करें, चाइना के मुस्लिम्स कैसे ईद मनाते होंगे और इंडिया के मुस्लिम, मुश्किल होती होगी या इजी? नहीं देखिए, वो लाइक उनका एक अपने अपना उनका समझो, वो मुसलमान है तो उन्हीं का मुल्क ना, हाँ बिल्कुल, वो अपना मुल्क समझते हैं, इंडिया अगर इंडियन के मुसलमान है तो इंडिया को अपना मुल्क समझते हैं, चाइना के जो मुसलमान है वो चाइना को अपना मुल्क समझते हैं, लाइक वैसे जो जॉब वगैरह करने के लिए गए वो फिर ऐसे ही है ईद, मतलब लाइक मेरी वाइफ भी कनाडा, अच्छा हाँ, तो वो भी ईद उनकी ऐसे गुजरती होगी, ये नहीं है कोई पाबंदी है कि आप ईद मना नहीं सकते, लेकिन एक जाहिर बात है अपनों के बगैर नहीं बाहर के ममालिक में टोटल जितने भी आपके है ना मजहब के बारे में टोटल उधर कोई पाबंदी नहीं, आजादी है, हर मजहब को रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, हमें उनसे सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, जो हमारे मुसलमानों के लिए चीजें बनाई गई हैं वो गैर मुस्लिम ने वो उसे अडॉप्ट किया हुआ है, और हम कहते हैं पूरी दुनिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजहब अच्छा, मतलब ये है कि हम ठेकेदार पाकिस्तान नहीं है, ये कह रहा हूँ कि मतलब हमने पाकिस्तान तो ठेकेदार ही है मुस्लिम ममालिक का, ये तो क्योंकि हम एटॉमिक पावर है, ऐसे ही है। चले जी, है अच्छा लगा बात करके, ईद के हवाले से कोई एक अच्छा मैसेज जो जितने भी देखने वाले हैं, कोई मोहब्बत का कोई भी, खास तौर पर पाकिस्तान से बाहर जो लोग देख रहे हैं, इंडिया से बहुत से लोग देख रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी बंदे एक दूसरे से नाराज है ना, अपनी नाराजगी खत्म करे, सिंपल बात है, देखिए ये जिंदगी छोटी है, किसी को नाराज करके मैं समझता हूँ किसी भी एंड पे कोई नाराजगी है ना उसको खत्म किया जाए, उसे नए सिरे से दोबारा आगाज किया जाए, लाइक दोस्ती, एक दोस्त मैं आपस में नहीं बात कर रहे, दोस्ती निभानी पड़ती है, निभाई नहीं जाती, ऐसे ही है, निभाने के लिए छोटी मोटी काफी चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, ठीक है, तो मोस्टली मैं यही कहता हूँ इग्नोर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पॉजिटिव सोचे और आगे बढ़े, बल्कि मैं तो खुद इन्होंने जो बात की उस बात को मैं आगे ऐसे बढ़ाऊंगा कि मेरे भी जितने देखने वाले हैं, जितने भी इस कंटेंट या ओवरऑल जितने भी लोग हैं, अगर मुझसे कोई भी नाराज है तो मैं ओपनली कैमरा के सामने सबसे सॉरी करता हूँ, और ये कहता हूँ कि भाई नफरतें खत्म करें, मोहब्बतों की बात करें, मैं हमेशा से वैसे तो यही कहता हूँ लेकिन आज फिर ये कह रहा हूँ कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे खत्म किया जाए, आगे बढ़ा जाए, मोहब्बतों की बात की जाए। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम ईद के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई अब चीजें सस्ती हो गई है, कि नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये चीजें सस्ती होगी, सब्जी वगैरह सस्ती हो जाएगी और क्या होगा, बाकी तो सेम जो गारमेंट्स है वो सेम रेट ही रहने हैं।
नहीं सेम हो जाए बढ़े ना बढ़ने देखिए बढ़ना तो मजबूरी बन ही गया सर। क्या दूसरे कंट्रीज में यही रेट होंगे आपके ख्याल से महंगाई इतनी होगी? नहीं बांग्लादेश में इतनी महंगाई होगी, इंडिया में इतनी महंगाई नहीं, हमारे पाकिस्तान में ज्यादा महंगा। तो यही तो बात है ना, आप कहते हैं ना आपने कहा था कि भाई ये तो हर साल ऐसे ही कहा जाता है। ये कहने का मकसद है 10 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, किसी साल भी आप पिछले लास्ट 10 सालों से देख रहे हैं किसी बंदे ने भी कोई पॉजिटिव बात की है महंगाई के बारे में? हो रहा है ना, हो रही है तो वो लोग कह रहे हैं बिल्कुल हो रही है। तो उसे कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? कंट्रोल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। हालांकि अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपया है, मुझे पता है 50,000 रुपया अपने घर का खाना पीना पूरा करूंगा या शॉपिंग करूंगा बच्चों के लिए। ठीक है, अभी हमने बाजार में विजिट किया है जो कि वीडियो भी आपने देखी होगी कि मतलब जैसे हमने विजिट किया रश बहुत ज्यादा है सर, लेकिन लोग खरीद चीजें कम रहे हैं और दुकानदारों से बात की वो कह रहे हैं कि भाई सर ये बात नहीं है। देखिए जो बंदा इतने रश में आ रहा है, फैमिली आ रही है, कुछ ना कुछ तो लेगा। नहीं अब देखिए ना, ईद का त्यौहार है, एंजॉय करने तो नहीं ना आ गया? ईद का त्यौहार है, हर कोई सोचेगा तो यही कि भाई मैं भी जाऊँ शॉपिंग करने, लेकिन वहाँ पे जाके देखेगा कि चीजों की कीमतें डबल है, आसमान से बातें कर रही है। ये तो हकीकत है, ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए इस पे फौरी तौर पे। देखे वाम मैं आपको चीज सिंपल, जो मिडिल क्लास सबका है ना वो मरा हुआ है। ये मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, मांगने वाला ना गरीब आदमी फुल वो मांग मांग रहा है, उसका गुजारा 10 साल पहले भी ऐसे हो रहा था, पिछले साल भी मांग रहा था ऐसे ही उसे पिछले। और जो फुल अमीर लोग हैं जो उनकी तो टेंशन ही नहीं ना, जो फुल अमीर लोग हैं उनके लिए महंगाई ना महंगाई। और मेजोरिटी पाकिस्तान में मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास ओनली मिडिल, तो यानी ज्यादातर लोग जो उनसे पिसते नजर आ रहे हैं, मिडिल क्लास सबका पिसा हुआ। ठीक है, खास तौर पे जो लोग जॉब करते हैं। खैर मुझे देखें, ये आज की जो वीडियो थी तो उसी तमाम वीडियो से हट के थी, ओवरऑल जो शॉपिंग के हवाले से बात की, चीजों की कीमतों के हवाले से बात की, और बड़ा अच्छा लगा बात करके। ख्वाहिश यही है कि भाई चीजों की कीमतों में कमी आए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मिले, गवर्नमेंट खास तौर पे इस तरह के दिनों में कोई ऐसा मतलब पैकेज बनाए कि इस तरह के दिनों में जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है वैसे ही। नहीं पॉसिबल नजर तो नहीं आ रहा, नहीं पॉसिबल ऐसे ही हमने वो संभाला, हमने तो यही बातें सुन लिया नजर आ रही है। किसी भी मतलब हुकूमत इस तरह का कोई पैकेज लॉन्च नहीं किया मिडिल क्लास तबके के लिए जो सहूलत, यहाँ राशन लेंगे अभी रिसेंटली 4 पे बढ़ गए आजकल में। एग्जाम्पल मैं 200 यूनिट चल रहा था मेरे घर का विदाउट फैन, बिल आ रहा था 11,000, अब पंखे चलने हैं, चलो एसी नहीं भी चलाते, पंखे तो चलेंगे ना भाई, ऐसे ही है तो बिल नजर आ रहा है 25,000 रुपया। एग्जाम्पल मेरी अर्निंग 1,00,000 रुपया, 25,000 तो बिल, सिर्फ 25,000 बिल चला गया, बिल ही बिल, फिर भी मेरे घर किराए का तो 40,000 रुपया किराया चला गया, पीछे बचता गया पीछे 25 और 40 कितना हो गया, इनको चाहिए भाई फिर बच्चों के फीस। जितने भी पैकेज ये दे रहे हैं ना रमजान पैकेज, ये नहीं चाहिए इनको, चाहिए इंडस्ट्रीज बनाए, रोजगार मुहैया करें अपनी अवाम को, रोजगार मुहैया करेंगे देश में भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही है उनके टोटल अवाम देख लिया, इस टाइम काम कर रही है होममेड इंडस्ट्रीज के, होममेड इंडस्ट्रीज है, कोई मांगने वाला सीन नहीं है। और नीयत अच्छी हो तो मेरे ख्याल से कोई भी काम मुश्किल नहीं है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना सकती है जिससे सहूलियात हो सके, बेहतरी आ सके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, अच्छा लगा जी आपसे बात करके, शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। शॉपिंग के हवाले से हमने वीडियो बनाई, लोग किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं वो भी आपको बताया, आबिद भाई से भी मिलवाया, और लास्ट में मैंने भी थोड़ी अपने लिए शॉपिंग करनी है। जो लोग भी देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं कि ये जो ड्रेस आपको नजर आ रहे हैं इनमें से मुझे कौन सा सूट करेगा, मुझे कौन सा लेना चाहिए। अभी तो डेफिनेटली मैं अपनी मर्जी से ले लूंगा, लेकिन जो लोग ज्यादा मतलब जो भी जिस ड्रेस के हवाले से ज्यादा कमेंट आएंगे नेक्स्ट टाइम हम वो जरूर खरीदेंगे। आप इस हवाले से अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।